पत्तियां हैं बड़े कमाल की, घर में रखते ही बन जाएंगे माला माल। अपनाएं ये 5 वास्तु के टिप्स। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। हिंदू धर्म में कुछ पेड़ पौधों को बहुत ही वंदनीय माना जाता है। मान्यता है कि इनकी पूजा करने से बड़ा कष्ट जीवन में मिट जाता है। कुछ पेड़ पौधे तो ऐसे हैं जिनकी पत्तियों का प्रयोग करने से ही शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है। वास्तु के अनुसार आज हम आपको जिस पेड़ की पत्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं, उसका सही ढंग से उपयोग करने पर आपको अपार धन दौलत की प्राप्ति होगी और घर में धन संपदा भी बनी रहेगी। देखिए, अशोक का वृक्ष हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय है। इस पेड़ की पत्तियों का प्रयोग अक्सर धार्मिक अनुष्ठानों में होता है। अशोक वृक्ष, जिसे अहिंसा वृक्ष भी कहते हैं, हिंदू धर्म में यह एक पवित्र पेड़ माना जाता है। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं और धन संपदा को बरकरार रखना चाहते हैं, तो जान लीजिए अशोक की पत्तियों की कुछ अजीब बातें। देखिए, मान्यता है कि अशोक की पत्तियों को घर में रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। शुक्रवार के दिन 11 अशोक की पत्तियों को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की किसी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से सुख समृद्धि आती है। वहीं अशोक के पेड़ की जड़ धन प्राप्ति के लिहाज से बहुत उपयोगी मानी जाती है। इस पेड़ की जड़ को शुभ मुहूर्त में घर ले आए और इसकी जड़ को स्वच्छ पानी से धोने के बाद सुखा कर घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर में धन की कमी नहीं रहती। वहीं अगर आपको व्यापार में वृद्धि चाहिए तो अशोक की पत्तियों की माला बनाकर उसे अपने ऑफिस या दुकान के मुख्य द्वार पर लटका दें। ऐसा करने से आपको व्यापार में दिन रात वृद्धि होगी। इसी के साथ व्यापार में मोटा मुनाफा भी बनेगा। वहीं जिन छात्रों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनको अशोक की पत्तियों से देवी माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से उनके बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है और करियर में अच्छी नौकरी की प्राप्ति भी होती है। वहीं अशोक के पेड़ पर नित्य जल चढ़ाने से मां भगवती की कृपा बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग नियमित रूप से अशोक के पेड़ पर जल चढ़ाते हैं, उनको मानसिक रोग, ग्रह कले, कर्ज आदि समस्याओं से शीघ्र मुक्ति मिलती है। इसी के साथ अशोक के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश भी नहीं करती। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। तब तक के लिए धन्यवाद।